Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन गोस फिर से प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एक न्यूज़पेपर से काइट बनाने वाले हैं. और हालांकि बनाना तो मैं चाह रहा था कि इस तरह के पतंगी कागज़ से बनाया जाए, पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पतंगी कागज़ मेरे पास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम ज़ीरो हो गया है. और ये जो आप पतंगी कागज़ देख रहे हैं ये स्टेशनरी शॉप का है और ये बिल्कुल बेकार होता है. इसमें अगर हम टेप चिपकाते हैं, फेविकॉल लगाते हैं तो ये मेरे उंगली में चिपक करके ही फट जाती है फ्रेंड्स. और लेकिन पतंगी कागज़ एक्चुअली होता कैसा है, ये एक फटी हुई पतंग का कागज़ है, ये ख़राब पतंग का कागज़ है. और ये देखिए, पतंगी कागज़ इस तरह की होती है. जो ओरिजिनल पेपर होता है ये होता है, और ये अजंता पेपर है, और ये जो स्टेशनरी शॉप में मिलता है तो ये इस तरह का पेपर होता है. तो ये पेपर डुप्लीकेट होता है, ये ओरिजिनल होता है. तो फ्रेंड्स मेरे पास ना तो डुप्लीकेट पेपर है ना ओरिजिनल है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास आज है ये न्यूज़पेपर. और इसी से ही एक पतंग बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन्होंने मेरे को बोला है कि अंकल प्लीज़ एक पतंग बना करके दिखाओ. तो पतंग मैं कागज़ से तो नहीं बना सकता, तो न्यूज़पेपर से ही बना देता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर से मैंने पहले भी बहुत पतंग बनाई है, उड़ाई है, लड़ाई है, पेज वगैरह सब कुछ काटा है, बहुत अच्छा काम करता है. तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये पुराना न्यूज़पेपर है. लेकिन इसके अंदर मेरे को जो एक चीज़ मिला है, बहुत अच्छा खूबसूरत चीज़ मिला है, और जो मेरा फेवरेट भी है, ये देखिए इसके अंदर जो मैगज़ीन मिला है ये देखिए. तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसी से ही बना दें, लेकिन इससे तो पतंग बन नहीं पाएगा क्योंकि ये छोटा है. तो इसके अंदर एक जोड़ लगाऊंगा, तो जोड़ लगाऊंगा तो फ्रेंड्स एक कागज़ और मैं काट लेता हूँ, और वो कागज़ जो है इस वाले को काटूंगा मैं, ये यहाँ से एक कागज़ काटूंगा और काट करके इसमें जोड़ लगा करके फिर पतंग बना के आपको दिखाते हैं. तो फ्रेंड्स पतंग बनाने के लिए चाहिए हमको एक फरमा होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपके पास फरमा नहीं है, अगर आपके पास आप फरमा नहीं बना सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं, मार्केट से इस तरह का एक पतंग ले लीजिए. लेकिन पतंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे मेरे पास ये पतंग है, और ये पतंग कानपुर की बनी हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की फ्रेंड्स ये पतंग है. तो इस पतंग को ऐसी एक पतंग ले लीजिए और इसी को ही फरमा बना लीजिए. इसको आप अखबार के ऊपर या पतंगी कागज़ के ऊपर रख करके सारा निशान लगा करके इसे कटिंग कर सकते हैं, जैसे भी मैं फरमे से काट करके आपको दिखाऊँगा. तो इसको रखता हूँ मैं यहाँ पर, और अभी क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ से एक कागज़ काटूँगा, क्योंकि मेरे को स्केल से नाप लेना पड़ेगा कि मेरे फरमे की चौड़ाई कितनी है और ये पेपर की चौड़ाई कितनी है. ये मेरे को 18 इंचेस चाहिए और इधर भी 18 इंचेस चाहिए. तो फ्रेंड्स लेकिन ये पेपर जो जिससे मैं पतंग बनाना चाह रहा हूँ और ये 18 इंचेस नहीं है, तो ये है 13 इंचेस, यानी मेरे को 5 इंच का जोड़ और लगाना पड़ेगा, यानी 5.5 या 6 इंच काटना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा काटना पड़ेगा और काट करके तभी जोड़ लग पाएगा. तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ. फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो इसको मैं यहाँ पर मोड़ता हूँ और 6 इंच की कटिंग करूँगा मैं. और ये मेरे पास स्केल है, स्केल से मैं 6 इंच, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ. तो फ्रेंड्स अब इसकी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ मैं. फ्रेंड्स इसको फोल्ड कर लिया है, लेकिन इसमें मेरे को निशान भी लगाना पड़ेगा, और मैं ये स्केल से जो है निशान लगाऊँगा इस फोल्ड के ऊपर. तो ये देखिए, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, और ठीक इसी निशान के ऊपर से जो है, इसी निशान के ऊपर से मैं कटिंग करूँगा. ये देखिए मैंने निशान लगा लिया, अब यहाँ से जो है मैं कटिंग करूँगा, और आपको निशान नज़र आ रही होगी बिल्कुल. ये देखिए कटिंग कर लिया मैंने, अब इसको जोड़ के आपको दिखाता हूँ. फ्रेंड्स देखिए कटिंग कर लिया, और कटिंग करके अब इसको जो है हम इसके नीचे रखेंगे, और इसके नीचे रख करके फेविकॉल से जोड़ते हैं. हालांकि ये मैच तो कर नहीं रहा है, लेकिन अब क्या करें, अब पतंग ही बनाना है कोई हवाई जहाज़ तो बनाना नहीं है. ये देखिए फ्रेंड्स सारा मैं फेविकॉल लगा रहा हूँ, और इसको फेविकॉल को जो है लगा दिया मैंने. अब इसको जो है इसके नीचे ले जाता हूँ, और ये देखिए ये जुड़ जा सिम. और अब जो है ये हमारा जो हम इस फरमे को इसके ऊपर रखते हैं, तो शायद मेरा पतंग बन जाएगा, शायद नहीं बन ही जाएगा.
शायद की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, चाहे जैसा भी हो टुकड़े सुकड़े में पतंग बन जाएगा मेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, पूरा पूरा है। और चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसकी कटिंग हो गई है और ये सब इसका वेस्टेज निकला है। इधर इसका वेस्टेज पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी वेस्टेज पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब ये दिखता कैसा है मैं आपको बता दूँ, ये दिखता ऐसा है। तो आप लोग ये तो मैं इधर से लगा सकता हूँ, और पीछे भी देखिए, पीछे ये ऐड है एक मोबाइल फ़ोन का। दोनों तरफ से देखिए कौन सा अच्छा, लेकिन मेरे को तो विराट कोहली पसंद है, तो इसलिए मैं विराट कोहली का ही जो है ये वाला हिस्सा सामने रखूँगा। ऐसे ये भी अगर हम सामने रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इधर से कमान और ठंडा लगा देते हैं, वो उधर से दिखेगा हमारे को विराट कोहली जी। और इधर से कमान ठंडा लगाते हैं, तो ये कमान ठंडा मेरे पास है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लगाते हैं। अब पहले ठंडा लगाते हैं और फेविकॉल से जोड़ेंगे, और ये रहा फेविकॉल, तो ठंडा जोड़ के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स फेविकॉल लगा दिया हमने इस पर, और फेविकॉल लग चुका है। अब इसको जो फेविकॉल को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ऐसा करके रब कर लेंगे इसको, और फिर इसको जो है इसके ऊपर बैठा देंगे। और ये बैठ गया, ये हमारा जो है ठड्डा जुड़ गया। अब इस पर कमान लगाएंगे और पतंग बिल्कुल 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़पेपर में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, अभी पतंग का पूंछ भी काटना पड़ेगा। तो इसका पूंछ मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं इसमें एक स्कूटी देख रहा था, पता नहीं कहाँ खो गया, अभी ढूंढ के आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं। ये स्कूटी से पूंछ बनाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स ये रहा, ये स्कूटी का पूंछ बनाएंगे और स्कूटी की अभी कटिंग करेंगे, कटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन पहले हम कमान लगाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, इससे जो है कमान को लगाने से पहले इस तरह के आपको बकल काटना पड़ेगा, और ये मैंने काटा है 100 इंच चौड़ी, और इसको जो है इस तरह से मैं फिर से कटिंग करूंगा, और ये अब इस तरह से कटिंग होगी ताकि इक्वल साइज़ का आ जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है आउट हो रहा था, तो इसको भी मैंने कटिंग कर दिया, और इधर से भी मैं कटिंग कर देता हूँ, ये कटिंग कर दिया मैंने। अब ये इक्वल साइज़ की मेरे को 4 बकल मिल गया है, और इसको मैं यहाँ से 1/2 कर दिया मैंने काट करके। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम लोग जो है इसको भी फेविकॉल से लगाना पड़ेगा, और इसको भी फेविकॉल से हम लोग कहाँ पे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लिया मैंने फेविकॉल, और इसको फ्रेंड्स पहले से ही आपको यहाँ पे चिपका देना पड़ेगा। ये देखिए ये यहाँ पे चिपका दिया मैंने इसको, एक यहाँ पे चिपका दिया, और एक उस साइड चिपका दूंगा मैं। एक यहाँ पे चिपका दूंगा, ये देखिए फ्रेंड्स इसको यहाँ पे चिपका दिया, ये चिपक गया। और अब क्या करेंगे हम इसके ऊपर जो है फेविकॉल लगाएंगे। सुंदर सस्ता टिकाऊ पतंग जो है आपकी ये बन जाएगी। मार्केट में पतंग आजकल बहुत महंगी हो रही है, लेकिन ये आपकी बहुत सस्ती बैठेगी। और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है अगर हम वेस्टेज पेपर का वो लगाएं तो 4 रुपये तक की ये पतंग पड़ेगी, उससे ज़्यादा की नहीं पड़ेगी। और 4 रुपया बहुत ही सस्ता है, क्योंकि पौने की पतंग जो है आज की डेट में बहुत ऑर्डनरी पतंग 15-16 रुपये की मिलती है, और अच्छी वाली जो है 25-30 रुपये की मिलती है, उससे भी ज़्यादा महंगी मिलती है। और कुछ लोग तो 150-200 रुपये पतंगों की ले रहे हैं, पता नहीं क्यों ले रहे, मेरे को नहीं मालूम, शायद उन्होंने बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ी करनी होगी इसीलिए 150-200 रुपये लेने वाले भी बैठ गए हैं बहुत सारे। इतनी महंगी पतंग कोई तुक नहीं होता फ्रेंड्स। ये देखिए कितना शानदार बन गया मेरा पतंग। फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे इस कॉर्नर से लेकर के 4 इंच दूर पे मैं निशान लगाऊंगा, और
ये देखिए यहाँ पे 4 इंचेस आ रहा है, तो मैंने 4 इंचेस पे निशान लगा दिया। इधर ब्लैक कलर का आपको नहीं दिख रहा है, पर इधर वाला दिख जाएगा आपको, तो इधर भी 4 इंचेस पे लगाऊंगा। और ये देखिए 4 इंचेस पे मैंने यहाँ पे भी निशान लगा दिया। अब जो है इसके ऊपर जो मैंने पहले कटिंग की हुई थी इसको, और इसको लगाना है। ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और अगेन इस पर हम फेविकॉल लगाएंगे, और फेविकॉल भी मेरा ख़त्म होने वाला है, काफ़ी 25-30 पतंग बना चुका हूँ। तो फ्रेंड्स जो ये निशान वाला साइड है, तो हम लोग जो है निशान वाले साइड के यहाँ पे इस तरह से जो है बिल्कुल निशान वाले के साइड के ऊपर रख करके, और इसको इस तरह से हम लोग लगा देंगे। फ्रेंड्स एक बात आपको मैं बता दूं कि इस जो पतंग को हम लोग बना रहे हैं इसमें थ्रेड नहीं लगाया जाएगा, और थ्रेड के बदले क्या लगाया जाएगा वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इधर भी मैंने निशान लगाया था 4 इंचेस पे, तो इधर भाई क्यों जा रहा है, अभी से ही देखो ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब अभी बना भी नहीं है, पहले ही कह रहा कि मेरे को उड़ा दो जल्दी से। भाई विराट कोहली है ना, कोई ऐसा वैसा तो है ही नहीं। तो फ्रेंड्स अब इधर वाला भी हम लगा देते हैं, ये यहाँ का आपको निशान दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ अब सही आया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पे बैठा दिया, ये इस तरह से बनेगा। और अब क्या है कि इसमें हम थ्रेड की जगह क्या लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम थ्रेड की जगह लगाते हैं इस पर इस तरह का टेप, पतला वाला, इसमें चौड़ी टेप भी आती है लेकिन चौड़ा नहीं लगाना है। ये टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम थ्रेड नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए हम टेप लगा रहे हैं। तो भाई ये फिर उड़ेगा, बहुत उड़ने की कोशिश कर रहा है। ओहो ये टेप में एक जॉइंट भी आ गया, खैर कोई बात नहीं, इसको निकाल देता हूँ, इसको कहीं और लगा दूँगा। फ्रेंड्स पतंग में आप लोगों को मालूम ही है यहाँ पे धागा लगता है, पूरा धागा लग करके, लेकिन हम धागा नहीं लगा रहे हैं। और धागे से भी अच्छा काम ये करेगा हमारा जो टेप है, और ये टेप जो है आधी इंची टेप है, चौड़ी टेप नहीं लगानी यहाँ पे, बिल्कुल हल्की टेप लगानी है। और ये देखिए मैंने इस पे लगाया टेप, ये टेप लग गया। और इसी तरह से जो है हम टेप दूसरी तरफ भी लगाएंगे, और इस साइड पे भी टेप लगाएंगे। ये पूरा धागे से भी अच्छा काम करेगा क्योंकि पतंगों में आप लोगों को मालूम है यहाँ पे धागा लगाया जाता है। जो प्रोफेशनल हैं वो लोग धागा लगाते हैं, और जो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं जैसे मैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने थ्रेड लगा दिया, और मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, और इस करके जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया पूरा इसको पूरा यहाँ पे टेप। और ये हो गया दोनों तरफ का टेप, अब लगना है टेप यहाँ पे, और इस पोर्शन पे भी टेप लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आप इस पर टेप नहीं लगाएंगे तो पतंग आपकी स्टेबल नहीं होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स दो पार्ट में टेप लगेगा, ये देखिए एक यहाँ तक लगेगा और यहाँ पे लगा करके। आप लोग सोचेंगे कि शायद पतंग भारी हो जाएगी, नहीं फ्रेंड्स पतंग भारी नहीं होगी, पतंग आपकी बिल्कुल ठीक उड़ेगी, बहुत मस्त उड़ेगी। अभी इसको उड़ा करके भी हम दिखाएंगे आपको, अभी इसका पूंछ लगाना बाकी है। और इधर भी दो पार्ट में लगेगा, एक पार्ट में मैंने यहाँ तक लगा दिया, और ये देखिए एक पार्ट में यहाँ तक लगा दिया, दूसरे पार्ट में जो है इतना पोर्शन बाकी रह गया था उसको भी लगाना है। तो ये लीजिए, ये पूरा जो है इसके सर तक टेप लग गया, और इधर का भी थोड़ा सा बाकी रह गया था। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, और धागा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पतंग आपकी बहुत शानदार उड़ेगी। आप जितना मर्जी दूर ले जा करके इस पतंग को उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स अब इसमें पूंछ लगा के आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स हमारे पास देखिए दो किस्म की स्कूटी है, एक ये स्कूटी रखी हुई है येलो कलर की है, और एक इधर भी है, तो लेकिन मैं ये जो लगाएंगे तो अनमैच हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा मैचिंग है, तो इसकी कटिंग करता हूँ, इसकी कटिंग करके लगा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स एक पतंग खट के आ रही है, और पीछे 2-3 पतंगे भी लड़ रही है। इधर मैं पतंग बना रहा हूँ, छत पे बहुत पतंग उड़ रही है,
फ्रेंड्स ये देखिए, ये स्कूटी तैयार है, आप इस पे बैठ करके हवा में उड़ सकते हैं। बिल्कुल एकदम तैयार है स्कूटी, बस इसको चिपकाना है। तो इसको चिपका देते हैं हम लोग। तो अगेन फेविकॉल यूज़ करेंगे। चलो जल्दी से लग जाओ, फटाफट फटाफट, मेरा पतंग उड़ाने का भी टाइम हो रहा है। बहुत पतंग उड़ रहा है फ्रेंड्स, बहुत। ऐसा लग रहा है जैसे बस कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे जो है सब्सक्राइबर्स को बोल दिया था कि मैं बहुत जल्दी जो है इस पतंग एक बना करके दिखाऊंगा। ये लीजिए, पूछ लग गई। और अब इधर हमको लगाना पड़ेगा इसका दूसरा हिस्सा। और तीलियां मैंने ये तोड़ के रखी हुई है, तो मैं इस तीली को लगा करके और इसके ऊपर जो है ये इस तरह से लगा करके आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। फ्रेंड्स पतंग ऑलमोस्ट तैयार है, और थोड़ा सा एक काम और बाकी रह गया, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये पेपर का टुकड़ा छोटा सा काट लिया है। ये देखिए, छोटा सा पेपर का टुकड़ा काटा है और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और इसके रोल के बारे में भी बताता हूँ आपको, लगाते लगाते भी बात हो जाएगी आपसे। फ्रेंड्स इसको इसलिए लगाया जाता है, आपने देखा होगा सब पतंगों पर लगी रहती है, जो बहुत अच्छे कारीगर होते हैं वो अपनी पतंगों पर इसको ज़रूर लगाते हैं, और इसको लगाना भी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको रैप कर देंगे, फिर अगेन रैप करेंगे, और फिर अगेन रैप करेंगे इसको। और ये देखिए, यहाँ पे रैप किया मैंने इसको, और यहाँ पे थोड़ा सा फेविकॉल लगा करके इसको जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अगेन ये पूरा रैप हो जाएगा। इसको क्यों लगाते हैं मैं आपको बता दूँ, जब आप इस पर कन्ना बांधते हैं पतंग में, अगर ये पेपर नहीं लगाएंगे तो इसके धार से, ये जो आपका कमानी है, कमानी के धार से जो है आपका यहाँ से जो है कन्ना टूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग हमेशा ही इसको लगाते हैं। और अगर आपने पतंग 1-2 घंटे के लिए उड़ाना है तब तो नहीं लगाइए, लेकिन अगर पतंग आपकी बहुत देर तक आसमान में उड़ गई और ये कागज़ अगर नहीं लगा रहेगा तो आपकी पतंग के कन्ने टूट जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया है। देखिए कैसा दिखने में लगता है, हमारे विराट कोहली साहब कैसे लगते हैं, हीरो की तरह हैं बिल्कुल एकदम। फ्रेंड्स ये देखिए, एक अगरबत्ती जला रहे हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर सुराख कर दिया, और ये यहाँ पे सुराख कर दिया, और ठंडा इधर अंदाजे से सुराख कर दिया। तो चलिए अब हम लोग इसको बुझा दिया हमने, अब इसमें कन्ना बांध देते हैं। ये देखिए, ऊपर का कन्ना बंध गया, और नीचे का ये मैं डबल बांधूंगा, और ये बिल्कुल कोहली साहब के, विराट जी के बाजू में लगेगा ये। ये देखिए, ये बंध गया, और ये लीजिए कन्ना तैयार। अब इसको उड़ाएंगे, ऊपर वाले छत पे जाके उड़ाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा खेच वेच मार के नहीं दिखाएंगे। आपको पहले ही बता दूं कि पतंग अभी ताज़ा बना है, और फेविकॉल के जोड़ को सूखने में टाइम लगता है। इधर मोबाइल फ़ोन का ऐड है, आप इधर से मोबाइल फ़ोन का ऐड देख सकते हैं, और इधर हमारे कोहली साहब है, कोहली साहब स्कूटी पर बैठ के उड़ रहे हैं। शानदार पतंग बन गया, शानदार जानदार। और जितना मर्जी दूर ले जाकर के लड़ाइए, चाहे नज़दीक लड़ाइए, वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। चलो चले छत पे चलते हैं, उड़ाते हैं। फ्रेंड्स मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो विराट कोहली हैं, इसको तो सभी लोग जानते हैं, पर मैं एक और बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, और वो विराट कोहली के साथ हैं। आप देख सकते हैं ये जिसके जिनके सर के ऊपर मैंने ये उंगली रखी है, ये बताइए कि ये किसकी फ़ोटो है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका नाम क्या है, फटाफट आइए कमेंट बॉक्स में, और मैं देखना चाहूँगा कि सबसे पहले कौन आंसर देता है। सिर्फ 3 लोगों का ही जो है, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आएंगे उनका ही जो है नाम हम अपने आने वाले किसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसको हम लोग उड़ाते हैं छत पे चल के। A few moments later. फ्रेंड्स हम लोग पतंग को लेके ऊपर आ गए हैं और इसको उड़ाने लग रहे हैं, और इसको उड़ाएंगे जो हम लोग 3 नंबर सद्दी से, इसमें सद्दी है चरखी में जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं। और अभी थोड़ा सा हवा कम है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि उड़ जाएंगे।
वाह, हवा काफ़ी कम है फ्रेंड्स, लेकिन पतंग हमारी मस्त है, एकदम ही डिफरेंट डिज़ाइन बनी हुई है। बताइए कमेंट बॉक्स में आकर के कि कैसा है। खेज वगैरह नहीं मारूंगा अभी क्योंकि बिल्कुल ताज़ा बना है, पहले ही बता दूं मैं आपको। बस ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा उड़ा करके दिखा देंगे आपको कि पतंग उड़ने में बहुत मस्त है। आप कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि पेड़ की तरफ दिखा दे एक बार, उसको क्लोजअप करके। बिल्कुल भी पेड़ की पत्तियाँ वत्तियाँ नहीं हिल रही है, लेकिन हमारी पतंग जो है फटाफट आसमान में, बहुत हल्की हवा है फ्रेंड्स, मुश्किल से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और देखिए आप अखबार वाली पतंग भी देखिए, इतने कम हवा में उड़ गई। हाँ ठीक है, बिल्कुल भाई मस्त है, ज़्यादा खेचातानी नहीं करूँगा, अभी ताज़ी बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ने में मस्त है। पेज वगैरह आप लड़ा सकते हैं, दूर भी लड़ा सकते हैं और पास भी लड़ा सकते हैं। चक्कर चेक करता हूँ फ्रेंड्स, इसकी चक्कर चेक करता हूँ मैं। और पहले मैं इसकी जो है राइट हैंड साइड की चक्कर चेक करूँगा। ये ठीक है बाबा, बढ़िया है। थोड़ा सा खींचता हूँ हल्का सा, ज़्यादा नहीं खींचूँगा। ठीक है, पतंग बिल्कुल स्ट्रेट है। अब लेफ्ट हैंड साइड का चक्कर चेक कर रहा हूँ, और ये मारा मैंने गद्दा पट मारा, और ये मैंने आसमान में उठा लिया। मस्त पतंग है फ्रेंड्स, कोई नहीं कह सकता कि न्यूज़पेपर की पतंग नहीं बन सकती। न्यूज़पेपर की पतंग बहुत अच्छी बन सकती है अगर आप बनाना चाहो। मैक्सिमम ये 4 रुपीज़ की पतंग है, उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत मस्त है फ्रेंड्स। देखिए आप इतने कम हवा में भी फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं ये डोर निकल रही है, इतने कम हवा में भी ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत कम हवा चल रही है फ्रेंड्स। मुश्किल से 4 और 5 किलोमीटर की स्पीड होगी विंड की। देखिए पतंग की तरफ दिखाइए, पतंग देखिए फिर भी काफ़ी अच्छी जो है खींच रही है सद्दी को अपने साथ। तो चलिए फ्रेंड्स इसको उतार लेते हैं, उतार करके जो है इसको 2-4 दिन सूखने के लिए रखते हैं। 2-4 दिन नहीं, 2 वीक रखेंगे, हो सकता है कि 15 अगस्त वाले दिन इसी से ही हम लड़ाएं। फ्रेंड्स इसको उतारा जा रहा है और चरखी से ही उतार रहा हूं मैं। पतंग मेरी एकदम आसमान में मेरे सर के ऊपर आ गई। मस्त पतंग है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, और इसका पूंछ का डिज़ाइन भी डिफरेंट है। पूंछ के ऊपर जो है स्कूटी को लगा दिया है। वाओ, आ गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए, और मैंने एक क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर दीजिए, और इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।